गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एसएन कोचिंग ऑनलाइन चैनल पे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है अवसर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे वो आपका पीईटी एग्जाम होने वाला हो या आपका एसएससी का एग्जाम हो या एसएससी जीडी का हो या रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम हो या टेट सुपर टेट नेट जेआरएफ, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनते हैं एवरेज से औसत से। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे औसत। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, हम लोग लेकर के पूरा जो एग्जाम में आने वाले हाई लेवल के जो क्वेश्चन है सबको हम लोग करेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं औसत। चलिए तो देखते हैं, औसत का पहले मतलब जान लेते हैं। औसत क्या चीज होता है? औसत का मतलब होता है, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, औसत का मतलब होता है सभी पदों का योग, है ना। फार्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग, सभी पदों का योग और उसमें भाग देते हैं पदों की संख्या से, पदों का योग और पदों की संख्या से भाग देने से आपको औसत मिलता है। ठीक है, औसत का यदि कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो हम कहते हैं औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है सब बराबर, है ना। सब बराबर का क्या मतलब होता है, सब बराबर का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो जिस दिन आपको जोश आता है उस दिन कितना पढ़ते हैं, आप पूरा दम तो जो है 10 घंटा पढ़ दी, जोश आ गया तो 10 घंटा पढ़ दी, धीरे धीरे आपका जोश गायब होने लगा, 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा नहीं, यानी 0 घंटा ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 दिन मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए फिर लिख लेते हैं 2 घंटा, 7 दिन हो गया, फिर 4 घंटा हो गया, फिर 5 घंटा हो गया, कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मान लीजिए 1 घंटा और। ये जो आपने 1 घंटे दिए गए हैं, पहले दिन 10 घंटा, अगले दिन 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, 1 भी घंटा नहीं, फिर 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, आपने 10 दिन का एक रिकॉर्ड बनाया कि 10 दिन में आपने कितने घंटे पढ़े हैं। तो अब बताइए हमको कि जो ये 10 घंटे का जो एवरेज निकालिए कितना है, ये 10 घंटे का जो आपने टाइम टेबल लिखा है, आपने अपना पढ़ने के जो घंटे हैं वो लिखे हैं, यदि हम आपसे ये पूछें कि 10 दिन का जो आपका एवरेज रहा वो कितना रहा, तो क्या बोलेंगे आप, सर मेरा एवरेज रहा 10 घंटे का रहा है। 10 घंटे का एवरेज होने का मतलब होता है कि आपने प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ा है। आपका क्या, आपका एवरेज 10 घंटे रहा भी पर डे, या फिर आपका एवरेज 0 घंटे पर डे रहा है? तो नहीं, ना तो आपका एवरेज 10 है ना तो आपका एवरेज 0 है। तो सर एवरेज क्या होगा, एवरेज का मतलब होता है कि ऐसी संख्या ना जो सबसे बड़ी वाली से छोटी हो और छोटे वाले से थोड़ी बड़ी हो, मतलब एक ऐसी संख्या जो सब पे इक्वल क्या हो, इक्वल बट जाए, इक्वल इक्वल बट जाए। जैसे तो कैसे निकालेंगे उसको, तो कहेंगे सभी पदों का योग, तो सर जोड़ लीजिए कितना आएगा, 10, 8, 18 होता है, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30, 30, 2 होता है 32, 4, 36 होगा, 36 + 5, 41, और प्लस 1 कितना, 42। सर 42 घंटे आ गया, हमने कुल संख्या जोड़ा 42 आ गया। सर कितने कितनी संख्याएं थी, ठीक है कितनी संख्याएं थी, तो हम कहेंगे 10 संख्याएं थी ना, इन 10 संख्याओं का निकाल रहे हैं औसत, तो हम बटे में 10 कर लेंगे। अब भाग दीजिएगा कितना आएगा, हम भाग देंगे, भाग देने का मतलब होता है यदि बटे में 10 लिखा हुआ है, बटे में 0 लिखा है, तो बटे में जितने 0 होते हैं उतने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो बटे में कितने 0 हैं, 1 0 है, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 4.2, कितना आंसर आएगा 4.2 आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको जो एवरेज आने वाला है तो कितना आएगा, 4.2 आएगा। तो ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ आज तो जो सुबह खत्म हो गया सर जी घन की पाठ पढ़कर, नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए आप ऐसे ही जोश खो देंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो जोश अपना कायम रखिए बिल्कुल, आप पढ़ते रहिए, है ना, हार नहीं मानना है, ठीक है भाई, बिल्कुल हार नहीं मानना है।
एक कहावत में कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को अपनी मंजिल को भुला कर जीना तो क्या जीना, अपनी मंजिल को भुला कर जीना तो क्या जीना, दम है तो मंजिल को, दम है तो सफलता को पाक दिखा। अपनी मंजिल को भुला कर जीना है तो क्या जीना है, दम है तो अपनी मंजिल को पाक दिखा, और खून से लिख दे अपनी सफलता की कहानी को, और कह दे अपनी किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। ठीक है, यानी आप इतना मेहनत करिए, कठिन परिश्रम करिए कि आप अपनी सफलता को पाइए, और जो सफलता जो पाने में जो आपने किस्मत को लिखेंगे ना, जो अपने भाग को लिखेंगे ना, तो किस्मत के पास भी इतनी पावर नहीं है कि आपको उस कर्म के द्वारा जो आप प्राप्त करने वाले हैं उसको आपके भाग्य को मिटा दे। ठीक है, उस कर्म के द्वारा जो प्राप्त करने वाले हैं उसको मिटा दे, क्योंकि किस्मत भाग्य जो है ना वो भी आपके कर्म के आगे झुकना पड़ता है उसको भी। ठीक है, आपके कर्म के द्वारा हर चीज को पाना पॉसिबल है। ठीक है, भाग्य तो मात्र 2-4% होती है, लेकिन उसको भी झुकना पड़ता है जब आदमी जो है अपने कठिन परिश्रम पे अड़ जाता है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, आप लगे रहिए, हाउ द जोश, हाई इज द जोश। ठीक है ना, हाई होना चाहिए, बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए। यही तो टाइम है जीतने का और कुछ करने का। ये टाइम यदि सो गए, जोश खो देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल जोश बना करके आज शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते रहना है, और सारे वैकेंसी कल जो है सारे टेट सुपर टेट और जो भी बीएड और बीटीसी डीएलएड के जो बच्चे थे, लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया है ना, ब्लैक डे करके उन्होंने चलाया, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज जो है योगी जी को बोलना पड़ा कि नहीं, अब भर्तियां जो है हम लोग लाने जा रहे हैं, और 15 जून से जो है भर्ती लाने वाले हैं, यूपी टेट की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो यूपी टेट के ठीक बाद होने वाली है, तो टाइम मिलेगा नहीं पढ़ने का। तो वो कर क्या रहे हैं कि अब 15 जून से परीक्षा फॉर्म आ जाएगा, मान लीजिए जून जुलाई तक फॉर्म भरेगा, अगस्त सितंबर में उसका एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो बहुत टाइम बहुत कम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना हो सकता है उतना पूरा दम लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, अब टाइम नहीं है, और पीटी का देखिएगा फॉर्म तो आ चुका है, भरा ही रहा है, एक आध दो महीने बाद देखिएगा, मैक्सिमम दो महीना मैक्सिमम जाएगा, एग्जाम करा देंगे, क्योंकि पीईटी के बाद जो उनको भी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की भर्ती भी निकालनी है। ठीक है, तो लेखपाल की भर्ती वही दे पाएगा ना जो पीईटी पास करेगा, तो पीईटी की भर्ती भी होने वाली है, तो सॉरी लेखपाल की, तो उसके लिए पीईटी जल्दी कराएंगे, पीईटी के बाद लेखपाल होगा। तो समझिए कि वो टाइम नहीं है उनके पास, टाइम बिल्कुल नहीं है, उनको चुनाव से पहले एग्जाम कराना है, तभी तो दिखाएंगे ना कि हमने इतने बच्चों को जॉब दिया है। जॉब देंगे नहीं तो फिर अगली बार चुनाव में क्या कहेंगे, क्या मुंह लेके आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे बच्चों को, हमने इतने सिलेक्शन दिए हैं, है ना। तो इसलिए सिलेक्शन उनको देना उनकी मजबूरी है, 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, इसलिए यही टाइम है मेरे दोस्तों, लगे रहिए, जोश मत खाइए, ठीक है ना, हार मत मानिए, बस यही कहेंगे, जो लगा रहता है ना वही पाता है। ठीक है, और जो सो गया वो खो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म करते करते अपनी सफलता के मंजिल तक पहुंच चुके होते हैं। सोचिए कि आपकी मंजिल अभी यहाँ पे है, आप मैक्सिमम लोग 900 में से 90% लोग यहाँ पहुंच करके अपना रास्ता बदल लेते हैं, यहाँ पहुंच के अपना रास्ता बदल लेते हैं, कहते हैं मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत कठिन है। ठीक है, अरे थोड़ा सा बचा है मेरे प्यार दोस्तों, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा एनर्जी और लगा दीजिए, सफलता आपके सामने खड़ी है, बस एक पर्दा है जो आपको आड़े हुए है, जो मंजिल को आप देख नहीं पा रहे हैं, बस थोड़ी सी है, यहाँ से बैक जाने का कोई जो है रास्ता नहीं है, आप सीधे बस थोड़ी सी दूरी बची हुई है, आप पा सकते हैं। मैक्सिमम 90% लोग सफलता के नजदीक पहुंच के अपना रास्ते बदल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल टाइम आ चुका है लड़ने का, लड़ करके उसको पाने का। तो सोचिए कि आप सोचिए, इतना संघर्ष किया है आपने, इतने टाइम तक आपने जो है पढ़ाई लिखाई की गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। एक्चुअली जो गवर्नमेंट जॉब का जो ये लॉजिक है इंडिया में ना, ये जबरदस्त है। मतलब ये गवर्नमेंट जॉब पाने का मतलब क्या होता है, एक रिस्पेक्ट, रातों रात आपका भाग्य, आपका भविष्य, आपका सम्मान सब कुछ बदल जाता है, रातों रात, एक रात की बात होती है, रिजल्ट आ गया बस अगले दिन आपका भाग्य बिल्कुल बदल गया। सब लोगों की सोच आपके प्रति बदल जाती है, आपके घर परिवार, रिश्तेदार, गांव, आपके दोस्तों के बीच में आपका सम्मान बढ़ जाता है। तो सरकारी सब देखिए, पैसा पैसा आपको मिलेगा, मनी पावर, रिस्पेक्ट जो सबको चाहिए होता है वो मिल जाता है, सम्मान तो बड़ी क्या चीज है, पैसा मिल गया, सम्मान मिल गया। ठीक है, अब जब सम्मान मिल गया, पैसा मिल गया, तो भाई अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए। सोचिए इसी दोनों, ये आपको मिलेगा, ये दोनों कैसे मिलेंगे, सरकारी नौकरी से, है ना, सरकारी नौकरी से ये दोनों पॉसिबल है।
सरकारी नौकरी पाने के लिए आप दिन रात एक किए हैं, और वो समय आ गया है पाने का। अब पीछे मुड़ने का क्या मतलब है? अब पीछे मुड़ने का मतलब नहीं है, जानते हैं जब जब रेस आर्मी की रेस होती है ना, तो बच्चा जब लास्ट राउंड दौड़ता है तो लास्ट राउंड दौड़ता है तो वही नहीं देखता है कि मेरा सर फूटेगा कि पांव टूटेगा कि हाथ टूटेगा, उसको केवल मंजिल दिखती है, मंजिल दिखती है अपनी, बस रस्सी वहीं पड़ी है, रस्सी को बस क्रॉस कर लेना, जी जान लगा देना। तो अंतिम राउंड में जो है ना केवल उसको रस्सी दिखती है, ठीक है। जब अर्जुन से पूछा गया वो तुमको मछली में क्या दिख रहा है, तो बोला मछली की आंख दिख रही है ना। जब तो सोचिए कि मछली की आंख की तरफ केवल मछली की आंख ही दिख रही है, उसका बाकी शरीर नहीं दिख रहा है। तो वैसे ही जब आर्मी में रेस होती है तो लास्ट राउंड में बच्चों को जो है ना कुछ नहीं दिखता है, केवल लास्ट राउंड की रस्सी दिखती है। वैसे ही अब लास्ट राउंड आपका है, आपको केवल अपनी एक सीट दिखनी चाहिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम में, या फिर आपको जो भी टीचर एग्जाम में भर्ती देने जा रहे हैं उस टीचर बनने वाली भर्ती में आपको अपनी एक सीट दिखनी चाहिए बस। तो इसके लिए एक जोश होना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि जोश से ही सब कुछ डिसाइड होने वाला है। जोश खो देंगे ना तो फिर पढ़ने में आपको जो ललक है, वो एनर्जी है ना, वो खत्म हो जाएगी। वो जोश तो ही है जो आपको एनर्जी दे रही है पढ़ने की, दिन रात एक करने की, ठीक है। तो टाइम है कुछ करने का, कुछ बनने का, अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है, बस हमको आगे बढ़ते रहना है और अपनी मंजिल को पाके दिखाना है। जो हमको नालायक, जो आवारा, जो आज तक जो भी हमको बोला गया है उसको सिद्ध करना है कि नहीं हम वो लोग नहीं है, हम लोगों के अंदर कुछ दम है, ठीक है। देखिए आप कितना हो आवारागर्दी करते हो, कितना हो बुरे लड़के हो, लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी लग गई ना उस दिन सारे कलंक आपके धुल जाएंगे और आप सीधे साधे सभ्य लड़के कहलाएंगे। लेकिन जान लीजिए ये भी सत्य है, कितना हो सीधे साधे आप क्यों ना हो, कितना हो आप सभ्य ना हो, यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ना तो लोग यही कहेंगे कि बनारस गया था पढ़ने के लिए या आवारागर्दी कर रहा था, ठीक है। तो मेन जानते हैं उगते हुए सूरज को सब लोग सलाम करते हैं, उगते हुए सूरज को सब लोग सलाम करते हैं, डूबते हुए को कौन पूछता है। तो बात यह है कि उगता हुआ सूरज रहेगा, यानी कि आपको जब आप विकास करेंगे लोग आपको देखेंगे तब जाके लोग कहेंगे हाँ ये जो है विकास कर रहा है, लोग सम्मान करेंगे आपका। लेकिन फेल हो जाने पे, सूरज को डूबने पे कोई सलाम उसको नहीं करता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उगता हुआ सूरज बनना है या आपको ढलता हुआ सूरज बनना है, मेरे प्यारा दोस्तों। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, उन लड़कियों से कहना चाहूंगा, ठीक है, जो लोग टीचर भर्ती है या फिर जो भी आप यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप लोग लड़कियों के लिए खासतौर पर हम कहना चाहते हैं, बार बार हम कहते भी हैं कि आप लोग तो समझ लीजिए कि आप अपनी पीढ़ी को बदलने वाली, एक लड़की जो है ना दो दो खानदान को बदलने वाली होती है, अपने मायकों को भी और अपने ससुराल को भी। लड़के तो कुल अपने घर को बदलते हैं, लड़कियां दो दो घर को, दो दो घर को बदलने का पावर होता है उनके पास। यदि आप बनारस पढ़ने के लिए आई हैं या आप इतनी मेहनत कर रही हैं, घर से पढ़ रही हैं, जो भी पढ़ रही हैं, तो पढ़ रही हैं तो आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपके घर के भी हैं, आपके परिवार के लोग हैं। लोग ये एग्जाम्पल देते हैं अपने छोटे छोटे बेटियों को, अपनी बहनों को कि देखो दीदी पढ़ने गई है, दीदी तैयारी कर रही है, सफलता पाएगी, ठीक है। लोग आशा लगाए आपसे, और जिस दिन आप आशा को तोड़ देंगी, फेल हो जाएंगी, कुछ नहीं पाएंगी ना, तो उन्हीं लड़कियों के लिए आप एक अवरोध बनेंगी, क्योंकि उसके पापा तब यही कहेंगे कि देखो तुम्हारी दीदी भी तो गई थी पढ़ने के लिए, क्या हुआ, क्या हुआ, ना कटा के चली आई, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। सफल होने पे आप उन लड़कियों के लिए प्रेरणा का एग्जाम्पल बनेंगी, और यदि असफल हो गई तो उन लड़कियों के लिए आप जो है ना अवरोध का मार्ग बना देंगी। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप लोग हैं बिल्कुल, आप सफलता पाइए, उन लड़कियों का भी उद्धार करिए जो आपसे प्रेरणा ले रही हैं। ऐसा ना हो कि आप उनके अवरोध का कारण बने, आप जब भी बने तो उनकी सफलता का कारण बनिए, ठीक है। चलिए तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, अपने चैप्टर पे हम लोग आते हैं, और हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज औसत हम लोग पढ़ने जा रहे थे, ठीक है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे आप लोग दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत कर दीजिए, बस मेहनत करके और सफलता को पा जाइए, ठीक है ना, और इसके आगे कोई चारा नहीं है प्यार दोस्तों। जानते जिंदगी बहुत कठिन है, इस समय जो हाल फिलहाल जो वातावरण बना हुआ है ना मार्केट का, आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट जॉब करने वालों को क्या हाल है, उनकी नौकरी चली गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज जो बेचारे मुंबई दिल्ली कलकत्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पे थे, वो लोग भी आज घर भाग के चले आए हैं, और गांव में कोई इज्जत नहीं मिल रही है। सोचिए ना, उनकी उनको लोग बेवकूफ बोल रहे हैं कि बड़ा गए नौकरी करने के लिए घर चले आए, क्या मुंह दिखाएं, यानी वो लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। उनसे अच्छे तो गांव वाले हैं जो अपना खेती भी कर रहे हैं, सब मस्त हैं, गांव में कोरोना का कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। शहर मतलब है, शहर वालों की नौकरी चली गई, सोचिए ये हाल है। सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी वाले ऐसे मास्टर लोग पढ़े हुए कि बिना पढ़ाए सैलरी आ रही है, ठीक है, सरकारी नौकरी वालों की तो बल्ले बल्ले है लॉकडाउन में,
सोचिए यदि ऐसी परिस्थिति भविष्य में भगवान न करे आए, लेकिन आती है तो सरकारी नौकरी इज द बेस्ट फॉर एनी पीपल। सोचिए कि आप सभी लोगों के लिए सरकारी नौकरी सबसे बढ़िया चीज है। एक बार मिल गई तो सोचिए कि बस घर का नौकरी है, आप जो है अब आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है, चाहे आप काम जो है कुछ भी लॉकडाउन लगे चाहे ना लगे, ठीक है, छुट्टी भी खूब मिलती है, तो एक जीवन का आनंद भी उसमें है क्योंकि उसमें एक फिक्स सैलरी आपकी मिलती रहती है। प्राइवेट जॉब करें बहुत संघर्ष है, आप घर में एग्जाम्पल देख रहे होंगे, अगर पापा है, भाई है, बहन है, कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा क्या हाल चल रहा है उन लोगों का। तो इसीलिए कहेंगे बस आप लोग के पास मौका है, ये लास्ट ही मौका हम कहेंगे फिर से, और आप भी लास्ट मौका मान के चलिए, ठीक है, फर्स्ट चांस इज द लास्ट चांस, ये ऐसा जब सोच चलेंगे ना तभी आप जो है मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। एक ही रास्ता है, ठीक है, या तो पा जाएंगे या तो खत्म कहानी हो जाएगी, ठीक है। यदि तो लास्ट चांस जो है आपका, यही पहला भी चांस है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2022 के बाद 2024 आएगा, 2024 के बाद सरकारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत तेजी के साथ में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट चीजें हो रही है, सरकारी नौकरी कितनी बचेगी कितनी नहीं बचेगी तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। इसलिए आपसे हम कहना चाहेंगे अभी मौका है, सुधर जाइए, इस समय का सदुपयोग कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना, बस हम यही कहना चाहेंगे। और बाकी आप लोग कमेंट पढ़ लेते हैं एक बार, यूपीएससी का एग्जाम का डेट फिक्स नहीं हो रहा है सर, सबको बता दीजिए। देखिए जो भी एग्जाम्स हैं ये डेट अभी कोई फिक्स नहीं हो रही है, किसी भी एग्जाम का डेट फिक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार अभी अस्थिर माहौल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से केसेस कम हो रहे हैं, हमको लगता है देखिएगा जून लास्ट आते आते सारे एग्जाम्स की डेट आ जाएंगे, सारे एग्जाम्स की डेट आ जाएंगी जून लास्ट होते होते, ठीक है। तो हमको लगता है कि सारे एग्जाम्स की डेट आपको मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में सारे एग्जाम्स लगभग जो है होना शुरू हो जाएंगे। जून आपका बीत रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक सारे एग्जाम्स जो है आपके होने शुरू हो जाएंगे। आपके पास टाइम नहीं है, आप ये मांग चलिए आपके पास 2 से 2.5 महीने का टाइम है, 2 से 2.5 महीने के टाइम में आपको पढ़ लेना है। हम लोग भी चिंतित है कि हम लोग कैसे आपको पूरा कराएं, ठीक है। तो हम लोग पूरा जितना हो सकता है, सर लोग भी आज हिस्ट्री वाले सर आएंगे और ज्योग्राफी वाले सर भी आएंगे, ठीक है, वो लोग क्लास लेंगे, बाकी पॉलिटी वाले सर 3-4 दिन में आ जाएंगे, वो भी अपना क्लास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग भी जितना हो सकता है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अभी 1 महीने तक लॉकडाउन में हम लोग घर चले गए थे भाई, इतना कंडीशन खराब हो गई थी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि यहाँ पर रुके, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑनलाइन क्लास पर रोक भी लगा दी गई थी, इसलिए हम लोग जाना भी पड़ गया, ठीक है। लेकिन अब केसेस बढ़िया है, जब तक नहीं खुलेगा तब तक हम लोग ऑनलाइन लगे रहेंगे, और खुल जाने के बाद ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे क्लासेस आपकी चल रही थी पहले वैसे ही क्लासेस आपकी चलेंगी ऑफलाइन में, बाकी ऑनलाइन जो चल रहा है वैसे चलता रहेगा, ऑनलाइन में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेंगी। घबराइए मत, जितना चिंता आपको भी है उतना चिंता हमको भी है, ठीक है, ये हम लोगों का बहुत लॉस हो रहा है, तो हमको पता है कितना हम लोग मानस में जा रहे हैं, ठीक है, फिर भी संघर्ष है, संघर्ष के आगे जीत होता है, ठीक है ना, तो हारना नहीं है, ठीक है, बस एक दृढ़ प्रतिज्ञा है कि जो भी होगा, एक काली रात है तो सुबह तो आएगी ही, ठीक है, बस इसी आशा में हम लोग जो है कर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है कि एक नया सुबह जो सुबेरा है, एक ऐसी सुबह है जिस दिन शायद सैनिटाइजर का और मास्क का प्रयोग ना करना पड़े और सब लोग एक दूसरे से गले मिल सकें। शायद हमको तो लग रहा है कि पता नहीं कब हम किसी से गले मिले होंगे और हाथ मिलाए होंगे, है ना, जैसे लग रहा है कि हम लोगों की संस्कृति में गले मिलना और हाथ मिलाना है ही नहीं, ठीक है। लेकिन भगवान करे जल्दी ही सब समय विषम परिस्थितियां हटें और हम लोग एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे से हैंडशेक हाथ मिला सकें, ठीक है, बस यही भगवान से प्रार्थना रहेगी। और सभी लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, यही हमारी कामना है, और जल्द ही कोचिंग खुलेगी, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, और सब कुछ बढ़िया रहे, देश बढ़िया रहेगा, प्रदेश बढ़िया रहेगा, तो हम लोग भी बढ़िया रहेंगे, बस यही आशा करते हैं, और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, ऐसी इसी आशा के साथ हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, है ना। कोचिंग कब खुलेगा सर? कोचिंग कब खुलेगा हमको भी नहीं पता है, लेकिन जहां तक हमको अनुमान लग रहा है कि 15 जून तक खुलने की उम्मीद है, जैसा भी सरकार का आदेश आएगा उसी के अनुसार हम लोग जो है खोल सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी का क्लास कब चलेगा? हिंदी के वाले सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हिंदी क्लास ऑनलाइन जो है लेने में प्रॉब्लम उनको हो रही है, तो अब देखते हैं हिंदी का कोई टीचर खोज रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, अगर कोई मिलता है तो हम तुरंत हिंदी की क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो सर पढ़ा रहे थे वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं बढ़िया, लेकिन ऑनलाइन उनको पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसलिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही कोई टीचर मिलता है तो हम आपको ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करा देंगे हिंदी का, है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं, 30 मिनट गया, बिल्कुल 30 मिनट गया,
पाठक जी, कभी कभी आप लोगों को जोश भी बढ़ना पड़ता है, तो बिना जोश से कुछ होने वाला नहीं है। जब जोश नहीं रहेगा तो क्या पढ़ने से क्या फायदा, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि आप लोग अब जोश में आ गए होंगे, तो जोश बनाए रखिएगा हमेशा। ये नहीं कि आज सुन लिया तो कल खत्म हो जाएगा, है ना, बिल्कुल बना रहना चाहिए आपको जोश। देखिए, तो हम पढ़ा थे एवरेज, है ना, औसत में क्या था। हम लोगों ने देखा सभी संख्याओं के पदों जो संपद दिए गए थे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, भाग दे देंगे हमको मिल जाएगा औसत, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या दिया गया आपको देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ये देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर हुई है, 65 सेंटीमीटर हुई है, 55 सेंटीमीटर हुई है और 90 सेंटीमीटर हुई है, उस स्थान पर औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर हुई, सोचिए, है ना। क्या बोला गया है, ठीक है ना, क्या बोला गया है, किसी स्थान पर जो है वर्षा हो रही है, किसी स्थान पर जो वर्षा हुई है, किसी एक जगह पे एक बार 70 सेंटीमीटर हुई, एक बार 65 सेंटीमीटर हुई, एक बार 55 सेंटीमीटर हुई और एक बार 90 सेंटीमीटर हुई है। तो इन सब का यदि एवरेज निकाला जाए, औसत निकाला जाए, तो क्या आएगा, इन सब का औसत कितना आएगा, ये पूछा गया। तो हम ये कहेंगे औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी पदों का योग कर लेंगे बटे पदों की संख्या कर लेंगे, सबको जोड़ लीजिए, पदों का योग कितना आएगा। हम कहेंगे ये 70 में 0 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 0 है, 5 और 5 कितना आया 10, 0 हासिल लगा 1, तो 7 प्लस 6 कितना 13, 13 प्लस कितना होगा 18, 18 प्लस कितना 27, आई कितना आएगा 28, 280। हम कहेंगे पदों का योग हो गया 280 बटे पदों की संख्या कितनी हो गई, तो एक संख्या ये है 2, 3, 4, चार संख्याएं हैं, चार से भाग दे लेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या कर लेंगे, चार एकम चार, चार सत्ते 28 कट गया, तो आंसर कितना आएगा 70, 70 हमारा आंसर जाएगा। यानी कि जो आपको बारिश की जो आपको दिया गया था डेटा, उसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। बढ़िया ना, आ गया भाई, चले आगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग, बताइएगा क्वेश्चन आप लोग देते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है कि संख्या, एक मिनट, संख्या दिया गया है एक से दस तक का औसत कितना होगा, है ना, औसत कितना होगा ये ज्ञात करना है, एवरेज निकालना है। कहां से कहां तक का, संख्या एक से दस तक का एवरेज निकालना है आपको, कितना आंसर आएगा, ठीक है भाई। एक से दस तक का आपको औसत निकालना है, कितना आंसर आएगा। एक से दस तक का मतलब होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा। तो अब क्या करेंगे आप लोग, जोड़ेंगे सभी पदों का योग करेंगे, कितना आएगा, सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना, 55 आएगा ना, 55 आएगा। तो योग बटे में पदों की संख्या, योग बटे पद, क्या करते हैं, योग बटे पद निकल जाएगा एवरेज, औसत। पदों का योग जोड़िएगा 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21 और 7, 28, 8 कितना आएगा 36, 36 प्लस 9 कितना आएगा 45 और 10 55 आएगा ना। तो 55 आपका जोड़ने पे आ गया, बटे में पद कितने दिए गए हैं, 10 पद हैं, बटे 10 कर लेंगे तो आपका आंसर बनेगा 5.5, है ना। तो 5.5 आपका आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5.5 इज द राइट आंसर, कितना आएगा 5.5 आपका एवरेज बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक, क्या बोला गया, 1 से 100 तक का औसत कितना होगा, 1 से 100 तक का एवरेज निकालिएगा, 1 to 100, है ना, 1 to 100 तक का एवरेज निकालिएगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि आप लोगों का दिमाग खराब हो गया, अरे सर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद का 99, ऐसे करते करते कहां तक, 100 तक का, सर जोड़ने में ही दिन बीत जाएगा, है ना, जोड़ने में ही दिन बीत जाएगा, तो कैसे निकालेंगे एवरेज, घबराइए मत। अब बता रहे हैं ट्रिक, अब ट्रिक जानिए, रामबाण, रामबाण ट्रिक क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, रामबाण ट्रिक ये है आपका कि ऐसे जब भी पद आएंगे, ऐसे जब भी पद आते हैं, कैसे पद, कंटिन्यू कंटिन्यू एक श्रेणी में, एक सीरीज में, जैसे
एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, सात, आठ, नौ, दस, ऐसे करते 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 कहां तक? 99, 99 के बाद 100। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर एक श्रेणी है, एक सीरीज है ना, यानी सभी पदों में समान अंतर है। एक के बाद दो, एक का अंतर, दो के बाद तीन, एक का अंतर, तीन के बाद चार, एक का अंतर, चार के बाद पांच, एक का अंतर, पांच के बाद छह, एक का अंतर। यानी हर पदों में समान अंतर है। जब समान अंतर होता है ना तो उसे बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो पहला सीरीज बोल सकते हैं उसको अर्थमेटिक सीरीज। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक सीरीज, यानी कि समानांतर श्रेणी बोलते हैं इसको ना। तो जब एक सीरीज बनता है, सीरीज मीन्स क्या, सभी पदों के बीच का अंतर हमेशा इक्वल होना चाहिए, उसको बोलेंगे सीरीज बोलेंगे। और जब एक अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी तो मेरी भावनाओं को समझिएगा और देखिएगा। पहला पद क्या बोलेंगे? पहला प्लस अंतिम, ठीक है। अब बटे में दो, ये रामबाण ट्रिक है, हमेशा लागू होगा मेरे प्यार दोस्तों, हमेशा लागू होगा। रामबाण ट्रिक है ये, पहला पद और अंतिम पद जोड़ दीजिएगा, बटे दो कर दीजिएगा। पहला पद कितना दिया गया है? एक। अंतिम पद कितना है? सौ। बटे में कर लीजिएगा दो, एक और सौ जोड़ेंगे कितना आएगा? 101 बटे में दो, दो से भाग देंगे आ जाएगा 50.1, है ना भाई। 101 का आधा, सॉरी 0.5 है भाई, 0.5 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा? 50.5, है ना। तब कहेंगे 101 बटे दो कर लेंगे, 50.5, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। यस। तो एवरेज कब कैसे निकालते हैं? हम ये कहेंगे यहाँ पे कि जब भी श्रेणी हो, क्या बनी हो? श्रेणी, यानी कि सीरीज। क्या बनती हो? श्रेणी। श्रेणी देने पे क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है पहला पद, क्या होता है? पहला पद अब प्लस क्या बोलते हैं? अंतिम पद, अब बटे में कर लेंगे दो, यही होता है ट्रिक। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। क्या बोलेंगे? फर्स्ट अब प्लस बोलते हैं लास्ट बटे में दो, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? पहली पद अब प्लस अंतिम वाले का पद बटे में दो, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मेरे प्यार दोस्तों। देखिए अब इसी पे एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है एक एक दो तीन चार, ऐसे ऐसे कहां तक दिया गया है? 199। कहां तक दिया है? 199 तक का दिया गया है। बताना है एवरेज कितना आएगा, औसत कितना आएगा, ये बताइए एवरेज कितना आएगा। एक दो तीन डॉट 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 कहां तक? 199 तक। बताना है औसत कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा मेरे प्यार दोस्तों, बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका। एक दो तीन चार कहां तक? 199 तक दिया गया है। बताना है औसत कितना आएगा इस क्वेश्चन का, एवरेज कितना आएगा। देखिए अब आप जानते हैं, आप जानते हैं कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटे दो, पहला पद और अंतिम पद बटे दो, यानी पहला पद हो गया एक, अंतिम पद हो गया कितना? 199 बटे कर लेंगे दो, एक और 199 हो जाएगा 200 बटे में दो, भाग देंगे दो से कितना आएगा? 100। यानी एक से 199 तक का जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा? 100 बन जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, कितना आएगा? 100। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया है ना, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर, ये आप जानते होंगे, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या मतलब क्या होता है? इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर आप जानते हैं, इवन नंबर है ना, इवन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्या। आप सबको पता होगा सम संख्या क्या होती है, जो संख्याएं दो से कटती हैं, है ना, जो संख्या दो से क्या होती है? कटती है, क्या करती है? कटती है, उसे बोलते हैं सम संख्या। एक होती है ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? विषम संख्या। विषम का मतलब क्या होता है? दो से नहीं कटती है, दो से नहीं कटती है, बस, है ना। सम संख्या का मतलब होता है वह संख्याएं दो से कटती हैं, विषम का मतलब होता है तो दो से नहीं कटती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्या आएगा? प्रथम क्या बोला है? प्रथम क्या बोला है? प्रथम दस, दस विषम, है ना, विषम संख्याओं का औसत। क्या बोला है? प्रथम दस विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा? अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है?
प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? प्रथम 10 विषम संख्याओं का फाइंड एवरेज ऑफ 10 ऑड नंबर्स, है ना, एवरेज निकालना है किसका, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज कितना आएगा? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। हम कहेंगे पहला विषम संख्या कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा एक, अगला कौन सा होगा, अगला होगा दो तो होगा नहीं, दो सम होता है, क्यों आएगा तीन, अगला कौन होगा पांच, अगला सात, अगला नौ, अगला ग्यारह हो जाएगा, अगला तेरह होगा। तो एक दो तीन चार पांच छह सात, इसके बाद पंद्रह आएगा, इसके बाद सत्रह आएगा, इसके बाद उन्नीस आएगा। तो कितनी संख्या हुई, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस हो गया। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो प्रथम 10 विषम संख्याएं ये हैं, आपको यहां पर लिखा गया है ये कौन सी संख्याएं हैं, ये प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं, इनका निकालना है औसत। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनका जब एवरेज निकालेंगे तो हमने क्या बोला था, जब एक श्रेणी बनेगी, जब एक सीरीज बनेगा, क्या यहाँ पर सीरीज बन रहा है, एक से तीन दो का अंतर, तीन से पांच दो का अंतर, पांच से सात दो का अंतर, यस श्रेणी बन रहा है। जब सभी पदों के बीच में इक्वल का डिफरेंस हो, समान अंतर हो, तो हम बोलेंगे यहाँ पे श्रेणी बन रही है। और जब श्रेणी बनती है उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो, प्रथम पद एक अंतिम पद कितना 19 बटे में दो करेंगे, 19 एक 20 हुआ बटे में दो करेंगे कितना आएगा 10, आया कि नहीं है भाई बताइएगा। तो हम कहेंगे प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके आधा करेंगे कितना आएगा 10, आपका आंसर बन जाएगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं को लेना भाई, ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं को लेना है, तो हम कहेंगे कितना आंसर आएगा 10, आपका आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बोलिए आया कि नहीं आया भाई, ठीक है बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख देते हैं आपको क्या होगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, दिया गया है प्रथम 10 सम संख्याओं, प्रथम 10 सम संख्याओं, सम को बोलते हैं इवन नंबर ना, सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत एवरेज कितना होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, जल्दी बताएं जल्दी से। यस बताइएगा क्या आंसर है भाई, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना आएगा, हम कहेंगे पहली सम संख्या होती है कौन, पहली सम संख्या कौन सी होती है दो, अगली कौन सी होगी चार, अगली छह, अगली आठ, अगली दस, अगली बारह, अगली कौन सी होगी चौदह, आगे सोलह, आगे अठारह, आगे बीस, तो क्या दस संख्या होगी, क्या दस संख्याएं हो गई, हम कहेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस हो गई, दस संख्याएं हमको मिल गई, प्रथम 10 सम संख्याएं मिल गई, इनका निकालना है एवरेज। तो एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो, प्रथम संख्या दो है अंतिम संख्या 20 है, जोड़ देंगे बटे में दो कर देंगे, ये आ जाएगा 22 बटे में दो करेंगे आ जाएगा 11, तो ये आपका आंसर बन जाएगा कितना रहेगा 11। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज हो जाएगा 11, बढ़िया है भाई, आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलें आगे, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या दिया गया है देखिए, अब इसी क्वेश्चन को और टफ कर देगा, टफ का मतलब ही हो जाएगा, अच्छा बताइए हमको कि पहली सम संख्या कौन सी होती है दो, अच्छा पांचवी सम संख्या कौन सी होती है, पांचवी सम संख्या कौन सी होती है सर पता नहीं, अरे भाई जो संख्या पूछेगा उसका डबल कर दीजिएगा आपको वह उस नंबर की सम संख्या मिल जाएगी, जैसे पांचवी सम संख्या कौन सी होगी 10, दसवीं सम संख्या कौन सी होगी 20, ठीक है। तो अब क्वेश्चन दिया, ऐसे पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ये पूछ दिया, प्रथम 50 सम संख्याओं यानी इवन नंबर संख्याओं का एवरेज औसत कितना होगा,
है ना, 50 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा? तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, 50 सम संख्याएं लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, क्या ऐसे लिखते जाएंगे? अरे भाई टाइम नहीं है, एग्जाम में टाइम नहीं होता है, एग्जाम में मात्र 10 सेकंड में आंसर देना है, कैसे देंगे बोलिए? तब कहेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, मत लिखिए मेरे प्यार दोस्तों। हमने क्या कहा है, एवरेज निकालने के लिए पहला पद पता होना चाहिए और अंतिम वाला पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। हम कहेंगे पहली सम संख्या 50 पद लिखेंगे तो पहली सम संख्या कौन सी होती है, 2। अब 50वीं कितनी होगी सर, 50वीं कितनी होगी पता नहीं है, देखिए हमने बोला ना जितने पद हैं उसका डबल कर दीजिएगा। जैसे 50वीं सम संख्या कौन सी होगी, 50वें नंबर पे कौन आएगा, 100 आएगा। जैसे पहली सम संख्या कौन सी होती है, 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी 10, ऐसे करते करते जाएंगे आगे। हम कहेंगे पहली कौन है, 2, दूसरी कितनी है, 4, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी 10। कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ पल्ले पड़ा, यस सर, जितनी वाले नंबर वाली जिस नंबर की है उसका डबल कर दो, संख्या मिल जाएगी। हम कहेंगे सर 50वीं संख्या कौन सी होगी, 50वीं नंबर की संख्या होगी 100। 50वें नंबर वाली सम संख्या कौन सी होगी, 100। पहले नंबर वाली कौन है, 2। तो पहला पद मिल गया, अंतिम पद मिल गया, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, आ जाएगा कितना, कहेंगे 102 बटे में 2, ये आंसर बन जाएगा 51। कितना आएगा, 51। मेरे प्यारे दोस्तों बोलिएगा, ठीक है, आया कि नहीं आया? तो प्रथम पद अंतिम पद जोड़ के बटे 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ललिता पाल कर रहे हैं N+1, वेरी गुड, सही आपका है, लेकिन उसे हमको लर्न नहीं करना, उसको हमको समझना है कैसे हो रहा है, समझना है कैसे हो रहा है, रट्टा नहीं मारना है। हम कहेंगे प्रथम संख्या 2 है, 50वीं संख्या हो जाएगी 100, 102 का आधा 51, हमारा आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं भाई, ठीक है, बढ़िया है, कर लेंगे, वाह क्या बात है, वेल डन, वेरी गुड। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देते हैं, बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम प्रथम, ठीक है, 150, प्रथम 150 सम संख्याओं, सम संख्या इवन नंबर, सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, है ना, 150 सम संख्याएं कितनी है, 150 सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज निकालना है कितना होगा, प्रथम 150 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर प्रथम संख्या कितनी होगी, 2, अरे दोगुना कर दीजिए ना, 150वीं सम संख्या कौन सी होगी, 150वें नंबर पर कौन आएगा, तो कहेंगे दोगुना कर देंगे, 300 आएगा, है ना। सम संख्या निकालने आ गया, सम संख्या निकालने आ गया ना, क्या करेंगे, जिस नंबर की सम संख्या निकालनी है उसको डबल कर देंगे, सम संख्या मिल जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे, 302 आधा कर लेंगे, कितना आएगा, 151 ना, तो इसको आधा कर लेंगे, आ जाएगा 302 बटे में 2, तो कितना आएगा भाई, 151 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कौन लिखा है, 15.5 नहीं भाई, हाँ क्या दिक्कत भाई, ठीक है चले आगे ना भाई, बढ़िया है, 151, यस बिल्कुल 151 आएगा, हर्षित तिवारी, धीरज पाठक, अनिता प्रजापति, काजल सिंह, नेहा मौर्य, लीलावती, ठीक है, आलिशा वर्मा, बिल्कुल बढ़िया है, कितना आंसर आएगा, 151 आपका आंसर बन जाएगा, बहुत सही है। देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं सर एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है सर, जितना पूछेगा जहां तक का पूछेगा उसमें एक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे 150 तक का पूछा है ना, आंसर कितना आया, 151 नहीं आया, 150 तक का पूछा है, आंसर कितना आया, 151। पिछले वाले प्रश्न में 50 तक का पूछा था ना, आंसर कितना आया था, 51 आया था। सर जो पूछेगा एक बढ़ा दीजिए, जो पूछेगा एक बढ़ा दीजिए, आंसर आ गया। सर कुछ करना ही नहीं है, ट्रिक रामबाण ट्रिक, क्या ट्रिक है, जो जहां तक पूछेगा एक बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सुन आया कि नहीं आया, जैसे मान लीजिए हम पूछेंगे प्रथम 200 सम संख्याओं का एवरेज कितना आएगा, 200 तक पूछा है, आंसर आएगा 201, ठीक है, एक बढ़ा देंगे, आंसर आ गया, ठीक है ना। पूछेंगे प्रथम 500 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, कहां तक पूछा है, 500 तक पूछा है, 501 आंसर आएगा। कुछ करना नहीं है, बस एक जोड़ देना है,
ठीक है, ये तो मान लीजिए ट्रिक हो गया, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो से कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब मेरे प्यार दोस्तों अब देखिए मैजिक, अगला प्रश्न देखिएगा दे रहे हैं आपको, ये आपने ध्यान दीजिए, ये आपने किस टाइप के पद के लिए है, किस टाइप के नंबर के लिए है? सर सम संख्या, उसके लिए है सम संख्या है, कैसे है सम संख्या है, ठीक है सम संख्या के लिए है, हमने क्या बोला सम संख्या के लिए, एक बढ़ा देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आते हैं विषम संख्या पे, एक क्वेश्चन और करते हैं, विषम संख्या पे एक प्रश्न कर लेते हैं, दिया है प्रथम 50 विषम संख्याओं ऑड नंबर ना ऑड नंबर, ठीक है फर्स्ट 50 ऑड नंबर का एवरेज कितना होगा, ठीक है बोला गया है प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज कितना आएगा मेरे प्यार दोस्तों, ऑड नंबर का पूछा गया है, तो ऑड नंबर का पूछा गया है तो हम ये कहेंगे सर प्रथम संख्या कौन सी होती है, बोलिएगा भाई है ना, हम कहेंगे प्रथम संख्या कौन सी होती है भाई, तो एक होती है ना, प्रथम संख्या होती है एक, उसके बाद कौन आता है तीन, उसके बाद पांच, उसके बाद सात, ऑड नंबर विषम संख्या बोला है, प्रथम संख्या एक, अगली तीन, अगली पांच, अगली सात, अगली नौ, सबका हाथ पे लिखेंगे, और पचासवीं संख्या कौन सी आएगी, तो पचासवीं संख्या कौन सी आएगी इसको निकालना पड़ेगा, कैसे देखिएगा, हम कहेंगे पहली संख्या कौन सी है ना, अच्छा पहली संख्या कौन सी है तो कहेंगे एक है, दूसरी कितनी है तो तीन है, तीसरी कितनी है पांच है, चौथी कितनी है सात है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ पल्ले पड़ा, हाँ सर पल्ले पड़ गया, सम संख्या से एक कम है, सम संख्या से एक कम है, जैसे पहली सम संख्या कौन होती है दो, लेकिन विषम कौन सी होगी एक, दूसरी सम संख्या कौन सी होती है चार, लेकिन विषम कितना है तीन, तीसरी सम संख्या कितनी होती है छह, लेकिन विषम कितना है पांच, चौथी सम संख्या कितनी होती है आठ, लेकिन विषम कितना है सात, मजा आ गया, पचासवीं सम संख्या कितनी होती है डबल सौ, लेकिन विषम कितना होगा निन्यानवे, यस वेरी गुड, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे कि सर पचासवीं विषम संख्या कितनी होगी 99 होगी, तो कैसे निकालेंगे एवरेज, कैसे निकालेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो, प्रथम संख्या कितना है एक, अंतिम कितना है 99 बटे दो, यानी कि 100 बटे में दो, कितना आंसर आया 50, ठीक है ना 50 सर, अब देखिएगा ठीक है, यस बिल्कुल लाइक नहीं करें ये तो बिना कहने वाली बात ही नहीं है, लाइक करिए शेयर करिए ये तो बिना कहे करना चाहिए, ये आप लोगों को कहना पड़ता है, बताइए इतना हम लोग करते हैं आप लोग कुछ नहीं करते हैं, तो लाइक शेयर कर दिया करिए, देखिए तो हमें क्या बोला कितना कराया 50 आपका आंसर बना। अब रामबाण ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या कहता है, अरे कहां तक 50 तक, आंसर 50 तक बोलेगा ना, आंसर कितना आया है 50, जहां तक बोलेगा वही आंसर, 50 तक बोलेगा 50 आंसर, ठीक है प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा 100 आएगा, जितना तक बोलेगा उतना आंसर आएगा, तो विषम में क्या होता है, विषम में जो आंसर आएगा वो n होगा, सम में कितना आंसर आएगा n प्लस 1 होगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जहां तक पूछेगा वही आंसर, सम में क्या है जहां तक पूछेगा एक बढ़ा के आंसर, भावनाओं को समझिएगा ठीक है, सम में जहां तक पूछेगा एक बढ़ा देंगे, सम मींस इवन नंबर, इवन नंबर का पूछेगा एक बढ़ा देंगे, ऑड नंबर का पूछेगा वही का वही, ठीक है ये आपका आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल। चलिए तो आज के इतना ही, प्लीज आगे बढ़ने से पहले जो है अभी आपकी ज्योग्राफी ईवीएस की क्लास चलेगी है ना, तो जिन लोगों को ईवीएस का क्लास करना हो वो लोग बने रहेंगे, और आज के इतना ही, लेकिन हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अन्य दोस्तों से बोलिए एचएन कोचिंग को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और पढ़ाई करें, ठीक है जो लोग चैनल पर नए हैं आज वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए तो प्यारे दोस्तों आज के इतना ही, ओके बाय, गुड डे, जय हिंद, आप लोगों का दिन शुभ हो, फिर शाम को मिलेंगे, पीटी का प्रैक्टिस पेपर रहेगा और हिस्ट्री का भी क्लास चलेगा आज शाम को, चलिए जय हिंद जय भारत, बाय, गुड डे।